इस तरीके से होता है डिजिटल श्रद्धांजलि। ये फूल माला गई है वहां तक सबके। यहाँ पे सबके रेजिमेंट वगैरह लिखे हुए हैं, नेम प्लेट है, उनके जो भी नंबर वगैरह होते होंगे वो लिखे हुए। ये है अमर जवान ज्योति, अभी वहां से इंडिया गेट से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया। ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, वो जो है प्रैक्टिस, ऐसा लग रहा है जैसे स्टैच्यू बट वो हुआ है और हिल भी नहीं रहे बिल्कुल, इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है। भाई यहाँ पे ये भाई आनंद भाई यहाँ दे रहे हैं डिजिटल ट्रिब्यूट, दे रहे हैं श्रद्धांजलि। बढ़िया ऑप्शन बना रखा है। और यहाँ पे बैग वैग चेक कराने आना पड़ता है वॉर मेमोरियल के लिए, एंट्री है उस तरफ और यहाँ बैग चेक कराने आना पड़ता है, थोड़ा सा दूर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी शायद अंदर ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रगान वगैरह चल रहा है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या है सीन्स। इस तरीके से होता है डिजिटल श्रद्धांजलि। ये फूल माला गई है वहां तक, हाँ ट्रिब्यूट करो, ये देख लो, सही है भाई, अच्छा है, नाइस, चलो आ जाओ। जो अभी आप आवाज सुन रहे होगे मेरे पीछे से, ये है फाउंटेन की आवाज और हम अंदर आ चुके हैं वॉर मेमोरियल के अंदर। ये है वॉर मेमोरियल के अंदर एंट्री करते ही फाउंटेन, ब्यूटीफुल से फाउंटेन लगे हुए हैं और यहाँ पे फ्लावर्स कुछ, ये व्यू है अंदर का, सीनिक व्यू। और यहाँ से बिल्कुल अपोजिट में देखोगे स्टैचू और उसके अपोजिट में, उसके सामने में इंडिया गेट। काफी अच्छा लगा, वो काफी अच्छा लग रहा है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं, जो सोल्जर थे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है जिन्होंने देश के लिए अपने कंट्रीब्यूट किया है, जो शहीद हुए हैं सोल्जर्स उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, उनकी रेजिमेंट शायद उनका नंबर लगा हुआ है, बिहार महाराष्ट्र पूरा लिखा हुआ है। और हमने भी उनको ट्रिब्यूट दिया है डिजिटल ट्रिब्यूट, काफी अच्छा लग रहा है। और वहां पे नेशनल एंथम चल रहा है ऐसा लग रहा है, ट्यूनिंग चल रही है नेशनल एंथम की। सबके यहाँ पे सबके रेजिमेंट वगैरह लिखे हुए हैं, नेम प्लेट है, उनके जो भी नंबर वगैरह होते होंगे वो लिखे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लगा रखे हैं टाइल्स ऐसे रोज से पूरा। सो दिस इज इनसाइड वॉर मेमोरियल। और कुछ लोग तो ऐसे फूल भी रखे गए उनके लिए। सो मे बी ये चीज, ये स्पीकर से जो बज रहा है, ये स्पीकर है, इससे शायद हमेशा ही बजता रहता होगा ये नेशनल एंथम टाइप जो ट्यूनिंग है, नेशनल एंथम की है ना ट्यूनिंग। और वहां बीच में, ये बीच में, ये आई डोंट नो व्हाट दिस इज, अभी जाके देखेंगे ये बीच में क्या है। सो गाइस अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो है बिल्कुल सेंटर, मतलब यहाँ से पूरा इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति, चंद्रशेखर आजाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू, सब दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखो ये चार फ्लैग हैं, एक तो इंडिया का मेन फ्लैग है और तीन फ्लैग है आर्मी का, एक नेवी का, एक एयरफोर्स का, और उसके बाद है अमर जवान ज्योति, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू और उसके बाद इंडिया गेट। तो
ये पूरा वॉर मेमोरियल इज ऑल अबाउट जिन्होंने 1947 से 2021 तक शहीद हुए हैं, जो सोल्जर्स थे हमारे वॉर में शहीद हुए हैं, उन सबके यहाँ पे नेम प्लेट्स लगा रखे हैं। To tribute them and honor. तो ये है अमर जवान ज्योति, अभी वहाँ से इंडिया गेट से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है। वहाँ पे एक सोल्जर खड़ा हुआ है। काफी यार प्राइड वाला मूवमेंट सा लग रहा है, मतलब बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे आके। तो कहाँ सब यहाँ होते, तुम्हारा नाम भी सुनहरे अच्छे में होता। ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, वो जो है प्रैक्टिस, ऐसा लग रहा है जैसे स्टैच्यू है बट वो हिल हुआ है और हिल भी नहीं रहे बिल्कुल। इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा गाइज, यहाँ आ रहे हो तो पानी की बोतल तो साथ में लेके आना, वरना बहुत डिहाइड्रेट फील करोगे। सो हाइड्रेट रखने के लिए अपने आपको पानी की बोतल ले आना। हम तो भाई पानी पी पी के राम चला रहे हैं। हाँ, और ये अंदर है यहाँ पे, और ये गैलरी टाइप है, तो यहाँ पे आए थोड़ा सब देखने के लिए। ये अंदर से कुछ नीचे से सो अभी वो जो वहाँ पे सोल्जर खड़े हुए थे उनकी ड्यूटी चेंज हो गई, वो अंदर चले गए वहाँ पे गैलरी में, और वो दूसरे आ गए हैं यहाँ पे। तो ऐसे चेंज होती रहती है इनकी ड्यूटी। भाई जब हम गए थे अंदर गैलरी में, मतलब वहां से कुछ भी ले सकते थे, जो भी आर्मी से रिलेटेड सामान है वो अंदर था अवेलेबल। तो हमने तो भाई ये दो पोस्टर लिए, ये कैप्टन विक्रम बत्रा वाला मैंने लिया है, और एक और लिया है इन्होंने, ये आर्मी टैंक वाला नहीं है, ये एयरफोर्स वाला है। तो ये लिया हमने, हमारे बजट में यही बजट फ्रेंडली थे तो हमने यही ले लिया। और आज भाई पूरा वॉर मेमोरियल घूम लिया अच्छे से, तो मज़ा आ गया, ओवरऑल अच्छा लगा आकर के यहाँ पे। और तो मैं क्या ही बोलूँ।